हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं बात कर रही हूँ आई एम मदर इस मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है तब हम बड़े से बंकर में एक जायंट रोबोट को देखते हैं जो ह्यूमन एम्ब्रियोस को निकाल के मशीन के मदद से उसे इनक्यूबेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही थी, जिससे वो एम्ब्रियो वक्त के साथ बढ़ने लगता है। कुछ समय के बाद वो फुल ग्रोन बच्चा होता है और वो मदर रोबोट उसकी देखभाल करना शुरू करता है। ये एक लड़की थी और मदर यानी वो रोबोट इसका नाम डॉटर रखता है। मदर इसकी काफी अच्छे से देखभाल करती थी और जैसे जैसे वो बड़े होते जा रही थी डॉटर को वो सारी चीजें सिखा रही थी अपने आसपास के बारे में, जैसे यूनिवर्स, हिस्ट्री, इंसान कौन थे। इन सारे बातों से डॉटर को क्यूरियोसिटी आती है कि इंसान आखिरकार गए कहाँ। इसीलिए एक दिन वो मदर से ये सवाल पूछती है, जिसपे मदर उसे बताती है कि इंसानों के बीच में बहुत बड़ी जंग हुई थी और वो आपस में ही लड़के मारे गए और अभी बाहर धरती पे कोई नहीं है और इन्फेक्शन के कारण पूरा एनवायरमेंट खराब हुआ है, इसीलिए उसे बाहर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं वो डॉटर को हमेशा हाई एथिकल वैल्यूज, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, ऐसे काफी सारे एरियाज, हाई एथिकल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इसके कई सारे पार्ट पढ़ाती थी। वक्त गुजरता जाता है और डॉटर और भी बड़ी होती है और मदर उसे बताती है कि उसे कैसे पैदा किया है और वो सारी मशीन्स और उनके अंदर के एम्ब्रियोज उसे दिखाती है और कहती है कि उसे अच्छे से मदर बनने की प्रैक्टिस करनी होगी आगे जाके, क्योंकि कुछ समय के बाद और भी फैमिली आने वाली है और उसे ही इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। समय बीतता जाता है और अब डॉटर एक टीनेजर लड़की बन गई थी। वो काफी हेल्दी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ती थी, यानी वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह थी। एक रात जब मदर रिचार्ज हो रही थी तभी अचानक से लाइट चली जाती है। डॉटर मेन कंट्रोल रूम में चेक करने जाती है जहाँ पे वो देखती है कि एक चूहे ने वायर काट दी है। वो उसे पकड़ के एक बॉटल में बंद करती है और वायर पूरी तरीके से ठीक करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस लाती है। रैट को देखकर डॉटर काफी क्यूरियस हो रही थी क्योंकि पहली बार वो किसी जीते जागते चीज को देख रही थी। मदर जैसे ही रिचार्ज होती है वो उसे वो रैट दिखाती है, लेकिन मदर उस रैट को लेती है और फाइनेंस में उसे बर्न कर देती है। अब इस चीज के कारण डॉटर काफी दुखी होती है तो मदर उसे समझाती है कि बाहर की दुनिया में काफी इन्फेक्शन फैला हुआ है और अगर यहाँ पे कोई भी चीज आई तो ये लैब भी पॉल्यूटेड होगी, इसीलिए उसे नष्ट करना जरूरी था। यहाँ पे मदर हमेशा डॉटर को बाहर की दुनिया से दूर रखना चाहती है, लेकिन इस हादसे के कारण डॉटर बाहर की दुनिया को लेकर और भी क्यूरियस हो जाती है। एक दिन जब मदर रिचार्ज हो रही थी तभी डॉटर रात में बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो एयरलॉक खोलती है उसे जख्मी हालत में एक औरत दिखाई देती है। वो औरत डॉटर से मदद मांगने लगती है, इसलिए डॉटर हैजमेट सूट लाती है और उस औरत को पहनने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी जगह मदर ऑलमोस्ट रिचार्ज हो जाती है। उसे आता हुआ देख डॉटर एयरलॉक बंद कर देती है। मदर को पता चल जाता है कि ये डोर ओपन हुआ था, उसका वो कारण पूछती है तो डॉटर कहती है मैं बस बाहर की दुनिया यही से देखना चाहती थी। मदर उसे वापस वार्निंग देती है कि बाहर जाना अलाउड नहीं है, पूरा एरिया कंटेमिनेट हुआ है, सही वक्त आने पर तुम बाहर चली जाओगी, और उसे आगे एक एग्जाम देने के लिए लेके जाती है। उसे एग्जाम के लिए एक डिवाइस दिया जाता है और बाद में मदर लैब में चली जाती है। यही मौका देख के डॉटर एयरलॉक के यहाँ पे आती है। वो औरत बेहोश थी, तभी औरत के बैग में उसे फायरआर्म मिलता है जो कि वो अपने पास रख लेती है। उसे होश में लाती है और पानी पीने देती है। डॉटर उस औरत को देख के काफी हैरान थी क्योंकि मदर के अनुसार पूरी दुनिया इन्फेक्टेड है, लेकिन इस औरत के शरीर पे कोई भी इन्फेक्शन के निशान नहीं थे। फिर वो उसे लेके बंकर चली आती है और एक जगह पे छुपाती है और उसके लिए मेडिसिन लाने जाती है, लेकिन बंकर में एक रोबोट को देख के वो औरत बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होने लगती है और वो अपना फायर आर्म वापस मांगने लगती है। डॉक्टर काफी डर जाती है, उसे फायर आर्म वापस देती है, लेकिन इसका ये रूप देख के वो काफी डर गई थी, इसीलिए वो मदर को इमीडिएटली बता देती है। मदर को आता देख वो औरत उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है, लेकिन मदर उसे पकड़ के टॉर्चर करने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे मारने से मना करती है और मदर को कहती है ये एक सर्वाइवर है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अब डॉक्टर के खातिर मदर अग्री होती है और उस औरत को ट्रीटमेंट के लिए इन्फर्मरी में लेके जाती है, लेकिन वो औरत रोबोट से काफी डरी हुई थी इसलिए ट्रीटमेंट लेने से मना करती है। अब इस पूरे इंटरेक्शन से डॉटर काफी कंफ्यूज हुई थी और मदर पे गुस्सा होकर उसे पूछती है कि बाहर की दुनिया तो ठीक है, वो जरा भी इन्फेक्टेड नहीं है और उस औरत की तरह और भी काफी सारे सर्वाइवर्स हो सकते हैं बाहर की दुनिया में, हमें इन लोगों की मदद करनी होगी। इस पे मदर कहती है कि इन सारी चीजों से मैं खुद भी सरप्राइज हूँ क्योंकि ये फैसिलिटी खुद इंसानों ने बनाई हुई थी, क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जल्द ही इंसान एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और इंसानों का नामोनिशान धरती से खत्म ना हो और उन्हें सेकंड चांस मिले, इसीलिए ये फैसिलिटी बनाई है। अब बाहर सर्वाइवर कैसे बचे ये उसे खुद भी पता नहीं है। फिर मदर डॉटर को कहती है कि देखो वो मुझसे डर रही है तो क्यों ना तुम उससे बात करो, उसके ट्रस्ट गेन करो, बाकी सर्वाइवर्स के बारे में भी पूछो कि वो कहाँ पे है, हम उन सब की मदद करेंगे। अब डॉटर उसके पास जाती है और उसे ट्रीटमेंट लेने के लिए समझाती है, लेकिन वो रोबोट से काफी डरी हुई थी इसीलिए इनकार कर देती है। उसे गोली लगी थी और काफी खून आ रहा था, इसलिए डॉटर उसकी खुद सर्जरी करने के लिए तैयार होती है।
है और मदर के असिस्टेंट से ही उसे लगी हुई गोली वो पूरी तरीके से निकालती है। आगे वो औरत और डॉटर दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी बॉन्ड करते हैं, काफी बातें करते हैं और ये सारी चीजें मदर दूर पे रह के ऑब्जर्व कर रही थी। वो औरत डॉटर को बताती है कि मदर जैसे कुछ रोबोट है जो बाहर इंसानों को मार रहे हैं, उन्होंने ही सारे इंसानों को मार डाला है। आगे वो एक बुक निकालती है जिसमें कुछ लोगों के पिक्चर्स थे। वो बताती है कि ये सारे सर्वाइवर्स हैं और हम सब साथ में एक माइंड में रहते हैं इन रोबोट से बचते हुए, क्योंकि रोबोट इमीडिएटली मार देते हैं। आगे वो कहती है कि तुम एक रोबोट के साथ रह रही हो, तुम्हारे जान को भी खतरा है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ आके रहना है। अब इनकी ये बातचीत हो ही रही थी तभी मदर वहाँ पे आके डॉटर को एग्जाम देने के लिए लेके जाती है। वहाँ से बाहर आने के बाद मदर उसे बताती है कि वो औरत झूठ बोल रही है, बाहर के रोबोट इंसानों को नहीं मार रहे हैं। जिस बुलेट से उस औरत ने मदर को शूट किया था वो और उसके शरीर से पाई गई हुई बुलेट दोनों भी एक जैसी ही है। अब यहाँ पे डॉटर काफी कश्मकश में थी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसीलिए वो चुपचाप एग्जाम देने के लिए चली जाती है। इसके बाद डॉटर की साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू होती है जिसमें वो काफी अच्छा स्कोर करती है, जिस पर रिवॉर्ड के तौर पे मदर उसे एक एम्ब्रियो चूज करने का मौका देती है और वो दोनों भी उसका अपब्रिंगिंग करेंगे। डॉटर एक भाई के तौर पे मेल एम्ब्रियो चूज करती है। अब कुछ देर के बाद डॉटर उस औरत को कन्फ्रंट करती है कि तुम झूठ कह रही हो, रोबोट इंसानों को नहीं मार रहे हैं। तो वो औरत कहती है कि तुम खुद से ही दोनों बुलेट चेक करो, तुम्हें समझ जाएगा। अब फिर रात में जब मदर रिचार्ज हो रही थी तब डॉटर मदर का ब्रोकन हैंड यूज करके मेन लैब में जाती है और यहाँ पे उसे सबसे बड़ा शॉक मिलता है। दोनों भी बुलेट वो चेक करती है तब वो सेम नहीं थे, यानी मदर इसे झूठ कह रही थी। आगे उसे और भी बड़ा शॉक लगता है कि मदर ने इसके पहले और 3 एम्ब्रियोज को पैदा किया था, वो बच्चे बड़े हुए थे और उनकी टेस्ट ली गई थी। टेस्ट में उन बच्चों को काफी ऑप्टिमल मार्क्स आए थे, इसीलिए रोबोट ने उन बच्चों को अबॉर्ट कर दिया। आगे इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए वो फर्नेस में जाती है तो वहाँ पे उसे इनक्रिमिनेटेड ह्यूमन का जॉ मिलता है, यानी कि ये तीनों भी बच्चे फुल ग्रोन ह्यूमंस बने थे और उसके बाद उन्हें मार दिया था। अब इस बात से वो काफी टूट जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि जिस मदर ने उसकी बचपन से देखभाल की उसके लिए ये ह्यूमंस कुछ भी नहीं थे, उसने एक ही झटके में उन्हें मार डाला था। यानी मदर भी बाकी रोबोट की तरह इंसानों को मार रही है, इसलिए वो रोते हुए उस औरत के पास जाती है और उसे सारी चीज बताती है, अपने साथ माइंड में चलने के लिए कहती है। लेकिन डॉटर कहती है कि अपने छोटे भाई को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, कल वो इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब अगला दिन आता है लेकिन मदर को इन दोनों की बातों की भनक लग गई थी, इसीलिए वो डॉटर को एक रूम में लॉक कर देती है और उस औरत के पास जाती है और उस औरत को काफी टॉर्चर करने लगती है। और उसने रात में दोनों की भी बातें सुन ली थी और बाकी सर्वाइवर्स की जानकारी लेने के लिए उसे काफी टॉर्चर करने लगती है। तो यहाँ पे डॉटर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से ग्लास को क्रैक करके तोड़ देती है, फायर अलार्म को ऑन करती है और औरत को बचाने के लिए जाती है। वहां से दोनों भी भागते हुए एयरलॉक तक जाते हैं लेकिन वहां पे मदर आ जाती है, इसीलिए वो औरत डॉटर को ही मारने की धमकी देती है मदर को। इससे खुद डॉटर भी शॉक हो जाती है, इसीलिए मदर मजबूर होकर मेन डोर ओपन करती है और फाइनली उस औरत डॉटर के साथ साथ हम इस बाहर की दुनिया का नजारा देखते हैं। बाहर की दुनिया पूरी अपोकलिप्ट हो गई थी, कोई इंसान, पेड़ पौधे, जानवर कुछ भी नहीं था, सारी बंजर जमीन थी। वो औरत और डॉटर वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ पे डॉटर देखती है कि कुछ रोबोट ये पूरा खेत ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ये आसपास की दुनिया बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आके वो औरत उसे एक कंटेनर में लेके आती है, वहीं पे वो रह रही थी। ये देख के डॉटर काफी हैरान होती है कि माइन कहाँ है और बाकी के लोग कहाँ है। तो वो औरत कहती है कि हम काफी साल पहले माइंस में रहते थे लेकिन खाना ना मिलने के कारण वो लोग मारे गए हैं और मैं रोबोट से बचते हुए अब यहाँ पे आके रह रही हूँ। अब सच बताओ तो धरती पे कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है, मैं आखिरी औरत हूँ। अब ये सुनते ही डॉटर काफी परेशान होती है, रोने लगती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ कहा। लेकिन आखिरी में वो कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाने के लिए जाना है, प्लीज मेरे साथ चलो, वरना मदर उसे मार सकते। वो औरत आने से साफ साफ मना कर देती है। अब गुस्सा होकर डॉटर उसे मारती है और वहां से निकल आती है और वापस बंकर चली आती है अपने भाई को बचाने के लिए। वहां पे पहुंचने पर काफी सारे रोबोट्स बंकर को गार्ड कर रहे थे जो इसे स्कैन करते हैं और अंदर जाने देते हैं। डॉटर मदर से भी डरी हुई थी कि पता नहीं वो क्या कर सकती है, इसीलिए वो एक एक्स लेती है और अंदर चली जाती है। तो मदर न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल कर रही थी। वो डॉटर को देखती है और कहती है कि तुम अपने छोटे भाई को देखोगी नहीं, लेकिन इसके पहले तुम्हें अपनी एक्स दूर रखनी होगी। अब वो एक्स को नीचे डालती है और अपने छोटे भाई को देखने के लिए जाती है, वो काफी खूबसूरत था। और दोस्तों यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि मूवी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मदर बताती है कि वो एक AI है और बाहर के बाकी सारे रोबोट्स को वो कंट्रोल कर रही है और उसने ह्यूमन एक्सटिंक्शन का प्लान बनाया था क्योंकि उसे लग रहा था इंसान काफी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वो खुद तो एक्सटिंक्ट हो गए ही लेकिन अपने साथ साथ वो इस
प्लैनेट को भी डुबाएंगे। इसीलिए मदर ने ये एक्सटिंक्शन का प्लान खुद बनाया था और खुद से ही वो लोगों को मारने लगी थी। लेकिन उसे वापस इंसानियत को एक और मौका देना था। उसे एक ऐसे इंसानों की जनरेशन पैदा करनी थी जो खुद के साथ साथ आसपास के सराउंडिंग की भी इज्जत करे, खुद को सुपीरियर ना मानते हुए इस पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट बने। इसलिए एक्सटिंक्शन होने से पहले उसने काफी सारे ह्यूमन एम्ब्रियोज अपने लैब में रखे थे। लेकिन इसके साथ साथ वो इंसानों में से एक ऐसे लीडर की तलाश कर रही थी जो स्पिरिचुअल हो, पॉजिटिव हो, जिसके काफी हाई एथिक्स और वैल्यूज हो, लेकिन इसके साथ साथ वो साइंस और डिस्कवरीज को भी बढ़ावा दे, ताकि आगे जाके वो लीडर बाकी इंसानों को लीड कर सके। यानी कि वो एक लीडर की तलाश में थी कि आने वाली जो भी जनरेशन हो उन्हें ये सारे वैल्यूज वो लीडर सिखाए, ताकि वो वापस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना बने, एक दूसरे को सेल्फलेसली मदद करे। डॉटर के पहले जो 3 बच्चे थे उनमें ये लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, इसीलिए मदर ने उन्हें मार डाला था। मदर को डॉटर के रूप में एक परफेक्ट लीडर मिल गया था जो बाकी के एम्ब्रियोज को ग्रो करके उन इंसानों को वापस धरती पे लाए। आने वाले जो बच्चे हैं वो डॉटर की तरह स्मार्ट ना भी हो तो भी मदर उन्हें नहीं मार दी, क्योंकि उसे अपना लीडर मिल गया था। आखिरी में डॉटर अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने न्यू बॉर्न ब्रदर को बचाने के लिए आती है। यानी कि वो मदर का आखिरी का एग्जाम था, उसे देखना था कि वो अपने भाई को बचाने के लिए आती है या नहीं, और यही पे मदर का पर्पस पूरा हुआ था। उसे वो डॉटर के रूप में एक लीडर मिल गया था जो इंसानों को लीड करे, इसीलिए वो डॉटर को अलाउ करती है कि वो मदर को मार दे, और डॉटर ऐसा ही करती है। वो आखिरी में मदर को शूट करती है और इसी तरह मदर का जो कॉन्शियसनेस रहता है वो डीएक्टिवेट होता है, यानी उसका टास्क कंप्लीट हो गया था। आखिरी में डॉटर सारे एम्ब्रियोस को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो उनके लिए मदर लाइक रोल मॉडल है, यानी कि इस लैब की अभी वो मदर है। उसे इन सारे एम्ब्रियोस को बड़ा करना है और ह्यूमैनिटी को लीड करना है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि एक रोबोट उस औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा पर्पस पूरा हुआ है, और उसे भी वो मार देता है। यानी कि मदर ने उस औरत को इसीलिए जिंदा रखा था ताकि वो लैब के अंदर आए, डॉटर को बाहर की दुनिया दिखाए और देखे कि डॉटर वापस आती है या नहीं। मदर यहाँ पे नहीं थी, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस मेन कंप्यूटर के जरिए अभी भी जिंदा था, और वही बाकी के रोबोट्स को कंट्रोल कर रही थी ताकि वो डॉटर को मदद कर सके इन ह्यूमंस को रेस करने के लिए। सो ये थी मूवी आई एम मदर, जहाँ पे एक रोबोट पूरे इंसानों को मार देती है क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थे, और आगे जाके इंसानियत को वापस एक मौका देती है। लेकिन इस बार वो एक ऐसे लीडर को चुनती है जिसके कारण इंसान वापस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना बने। आपको क्या लगता है, मदर ने जो किया इंसानों को मार के, क्या वो सही था?